अस्सलामुअलैकुम दुनिया न्यूज़ में मोहम्मद उसामा गाजी, वक्त है हेडलाइंस। रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में होटल पर फायरिंग, चार अफराद जान बहक, दो जख्मी। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक, पहलवान गुट से लाश बरामद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरअली में दो ड्रोन हमले, गाड़ी और घर पर 8 मिसाइल फायर, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 14 साल मुकम्मल, नवाज लीग आज यौम तकबीर मना रही है, मुल्तान में आतिशबाजी का मुजाहरा। अमरीकी वजीर दिफा ने डॉक्टर शकील आफरीदी की सजा को परेशान कुन करार दे दिया, वजीर आजम का कहना है कि डॉक्टर शकील को आला अदालतों तक रसाई हासिल होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ, तहरीक इंसाफ और नवाज लीग आज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इमरान खान ने अदलिया का फैसला ना मानने पर सुनामी मार्च की धमकी दे दी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है कि किसी मावराए कानून इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे, कमजोर तरीन जमहूरियत भी मार्शल लॉ से बेहतर है। ननकाना में 9 साल हब्बा की बेटी को 50 साल शख्स के साथ कर दिया गया बनी, कराची में संगदिल बाप ने चंद रुपयों के बस 4 बेटियों को किया फरोख्त। सिंध और पंजाब वाले गर्मी से बचने की तैयारी कर लें, आज पारा 50 डिग्री से भी बढ़ सकता है। और कौमी T20 टीम श्रीलंका से क्रिकेट सीरीज के लिए कोलंबो रवाना, कप्तान और खिलाड़ियों का साफियों का सामना करने से गुरेज।